दोस्तों, सांपों की खेती, नाम सुनते ही पूरे बदन में करंट दौड़ जाती है। जी हाँ, आपने अनाज, फलों और सब्जियों की खेती के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे गांव की बात करने वाले हैं जहां पूरा का पूरा गांव सांपों की खेती करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सांपों की खेती। पर आप शायद ये नहीं जानते कि आखिर ये सांपों की खेती क्यों करते हैं और क्या इन्हें इतने सांपों के बीच रहने में डर नहीं लगता। तो आइए जानते हैं पूरा सच आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर चैनल पे नए आए हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहो वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना में एक ऐसा गाँव है जिसका नाम है जिसिकियाओ, जहाँ पर होती है सांपों की खेती। जी हाँ, जितना अजीब ये गाँव है उतना ही अजीब यहाँ के लोग है। पर यहाँ के लोग सांपों की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। बता दें, यहाँ स्नैक फार्मिंग लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के हर एक शख्स लगभग 30,000 सांपों को हर साल पालते हैं। यहाँ 30 लाख से भी ज्यादा सांपों की खेती हर साल की जाती है। यहाँ का बच्चा पैदा होते ही सांपों से खेला करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों यहाँ के लोग इतने ज्यादा सांपों की खेती करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग सांपों की खेती इसलिए करते हैं ताकि वो सांपों के मांस और शरीर के अन्य अंगों को बाजार में बेच सके। इतना ही नहीं, सांपों का जहर भी बाजार में काफी महंगा बिकता है। जी हाँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एक लीटर खतरनाक सांपों का जहर बाजार में 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बिकता है। अब आप सोच सकते हो कि सोने से भी महंगा बिकने वाला ये सांपों का जहर इन्हें मालामाल कर देता है। सांपों का जहर तो ठीक है, पर चाइना में सांपों का मीट इतना डिमांडिंग है कि क्या बताएं। यहाँ के लोग सांपों की मीट को बड़े चाव से खाते हैं। सांपों के मीट का अलग अलग डिशेस के साथ साथ यहाँ उसके सूप भी बनाकर पिया जाता है। दोस्तों, सांपों के शरीर का अंग दवाई बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है, और इन सब कारणों के लिए यहाँ के लोग इतनी बड़ी मात्रा में सांपों की खेती करते हैं। चाइना के इस गाँव में कई स्नेक फार्म्स है जहाँ पर लकड़ी और शीशे के बक्सों में इन सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडे से निकलकर बड़े हो जाते हैं तब उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांपों को बुच्चड़ खाने ले जाने से पहले इनका जहर निकाला जाता है और फिर इनका सिर काट दिया जाता है, और जब वो मर जाता है तब उनका मीट निकाल कर अलग कर दिया जाता है और चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, बता दे, जहाँ इन सांपों के मीट का प्रयोग खाने और दवाई बनाने का काम आता है, तो वहाँ सांपों के चमड़े का प्रयोग बैग्स और बेल्ट्स बनाने में किया जाता है। अब दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हें सांपों की खेती का आइडिया आया कहाँ से होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस गाँव में यांग होंग चेंग नाम का एक किसान रहता था। जब एक बार ये काफी बीमार पड़ गया था तो लाचारी और गरीबी के कारण वो अपने दवाई तक के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। तभी इसी दौरान यांग ने एक जंगली सांप पकड़ा और उसकी मदद से बनाई गई दवाई काम कर गई और यांग ठीक हो गया। और तब उन्होंने इसे अपना व्यापार बनाने का सोचा और इससे उन्हें फायदा भी होने लगा। जब गांव वालों ने देखा कि यांग इससे काफी ज्यादा फायदा कमा रहा है, तब धीरे धीरे पूरा गांव इस बिजनेस को करने लगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना, और चाइना के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में जरूर लिखना।